आज का ये आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी महत्वपूर्ण है, और अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं और भारत में रह रहे हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और बहुत कुछ जानने के लिए आपका, क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना महामारी आई हुई है। इस महामारी के दौरान आप देखिए कि कितनी समस्याओं से हमें झेलना पड़ी। एक तरह से आप सोचिए कि कई तरह की समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई। हम सबके सामने आपने देखा है कि कोई इससे नहीं बचा हुआ है, गरीब सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है। तो इस समय जो सत्र चलने वाला है संसद में, प्रश्नकाल को और शून्यकाल को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि आपका प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है और शून्यकाल को समाप्त कर दिया गया है। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा अभी चर्चा होनी चाहिए थी, और अभी आपने प्रश्न, यानी कि कोई पूछ नहीं सकता है प्रश्न। वही हाल है कि आप किसी क्लास में जा रहे हैं स्टूडेंट, और आप टीचर से क्वेश्चन से नहीं पूछ सकते हैं। उसने बोल दिया है टीचर ने कि आप मुझसे क्वेश्चंस कोई नहीं करेंगे, तो आपके पढ़ने का क्या मतलब है? आपको कुछ समझ में आ रहा है या आप गलत सर पढ़ा रहे हैं? तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कुछ पूछने हो सकता है कुछ समय के बाद आप कोचिंग भी ना जाए, स्कूल भी ना जाए, अगर इस तरह के टीचर रहे तो इसकी विपक्ष ने भी कड़ी आलोचना की, और भी जितने भी आपके यहाँ राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने भी, काफी लोगों ने इसकी आलोचना की। एक तरह से लोकतंत्र, आप सोचिए कि लोकतंत्र का मतलब तो यही था कि संसद में विपक्ष भी चर्चा करे। कोई अगर गैर, मतलब किसी भी पार्टी का नहीं है, निर्दलीय विधायक सांसद है, वो भी चर्चा करे। समझ रहे हैं आप लोग? तभी अभी कोई भी सरकार लाए कानून और ठोक दे बिना चर्चा के, कौन मना कर पाएगा? एक तरह से आप तानाशाही की तरह देख सकते हैं इसे, कि आप समझते थे एक समय राजा हुआ करता था, राजा बोल देता था कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा ही होता था, कोई उसमें हेर फेर वाली बात नहीं होती थी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग उसी इसी आर्टिकल को। लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों ने अधिसूचित किया है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, तथा दोनों ही सदनों में शून्यकाल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर लिया गया है। कोविड ने निदान की रणनीतियों में अपने हस्तोन्मुख भूमिका के फलस्वरूप संसद पहले से ही आलोचना का शिकार थी। ऐसे में यह कदम कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को कमजोर कर रहा है, और विपक्षी सांसदों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि वे सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार खो देंगे। अभी आपने देखा है कि कोई भी कानून आ रहा है या सरकार कोई भी फैसला ले रही है, तो सरकार के मंत्रियों से पूछा जाता था कि आप किस आधार पर यह फैसला ले रहे हैं, क्या होगा इसका परिणाम, समझ रहे हैं? लेकिन इसका अधिकार खो देंगे इस तरह के। इससे पहले भी आप देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपका समाप्त किया गया था एक बार, तो उस समय आप सोचिए अलग परिस्थिति थी, लेकिन अभी अलग परिस्थिति है। अभी सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए, ठीक है? प्रश्नकाल क्या है? प्रश्नकाल संसद का सबसे जीवंत तथा महत्वपूर्ण समय है। इसमें 1 घंटे के दौरान संसद के सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मंत्रालयों के कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सांसद जो प्रश्न पूछते हैं वे सूचनाओं को तैयार करने और मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई नियंत्रित करते हैं। यह मंत्रिपरिषद पर संसद के नियंत्रण का मुख्य अवयव है। इस पर आप लोग विचार करिए। एक बात और आपको बताऊं कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी आप देख रहे हैं, तो आप में से दिमाग में आता होगा संसद क्या है और सांसद क्या है। तो आप याद रखिए, संसद में हमारे 3 हिस्से होते हैं हमारे। एक राष्ट्रपति, इसका एक भाग होता है, और दूसरा देखेंगे आप लोग 2 सदन भी होते हैं इसमें। लोकसभा, ये लोगों का सदन होता है, यानी कि जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा, ये राज्यों का परिषद होती है, राज्यों की परिषद, एक तरह से कहिए कि ये MLA आपके चुनते हैं, जो भी विधायक आप चुनते हैं ना वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और आपने देखा होगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की मिलकर सदस्य, निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है? और एक बात और याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि सीटें कितनी है, राज्यसभा में 245 सीटें देखने को मिलेगी, 245, और लोकसभा में आपको 543 सीटें, 545 थी, तो उसमें दो क्या रहे, दो एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, लेकिन अभी उन्हें नहीं है, तो अभी करंट में 543 की बात है, ठीक है? 543, ठीक है? और एक बात और याद रखिए, आपका जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है इनका 6 साल होता है,
और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना? 5 साल का। लेकिन आप राज्यसभा के सदस्यों को देखेंगे कि हर 2 साल में 1/3, 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस आर्टिकल पर आगे। प्रश्नकाल की प्रक्रिया की बात करें तो संसद में प्रश्नकाल के हर पहलू से निपटने के लिए व्यापक नियम है और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल के संचालन के संबंध में अंतिम प्राधिकार है। उदाहरण के लिए आमतौर पर प्रश्नकाल एक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है। 2014 में राज्यसभा के सभापति हमीद अंसारी ने सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सदन में प्रश्नकाल स्थानांतरित किया है। किसमें? राज्यसभा में। यह कदम प्रश्नकाल के व्यवधान को रोकने के लिए था। ठीक है, संसदीय नियम सांसदों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। प्रश्नों को 150 शब्दों तक सीमित करना होगा, यानी कि 150 शब्दों में आपको क्वेश्चंस पूछना होगा, इससे ज्यादा नहीं। और सीधी सी बात है कि इतने में आप आराम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके सांसद होंगे। उन्हें सटीक होना है और बहुत सामान्य नहीं। यह प्रश्न भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र से भी संबंधित होना चाहिए। प्रश्नों को उन मामलों के बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए जो गुप्त या अदालतों के समक्ष निर्णय के अधीन है। कहने का मतलब है कि कोई आप सोचिए कि आपकी गुप्त कोई सूचना है, आप भी तो जानते हैं सूचना के अधिकार के तहत इस तरह की सूचनाएं नहीं दी जाती है जो एक तरह से देश के लिए खतरा हो या देश की एक तरह से कोई भी अखंडता के लिए खतरा हो। तो इसमें या कोई अदालत में कोई निर्णय आपका अधीन हुआ, कोई उस पर फैसला ना हो, उस पर भी आप प्रश्न नहीं कर सकते। यह दो सदनों के पीठासीन अधिकारी हैं जो अंत में तय करते हैं कि क्या सरकार द्वारा जवाब देने के लिए एक सांसद द्वारा उठाए गए प्रश्नों को स्वीकार किया जाएगा। 1952 में संसद की शुरुआत में लोकसभा प्रश्न प्रतिदिन आयोजित किए जाने वाले प्रश्नकाल के लिए दिए गए थे। दूसरी ओर राज्यसभा के पास सप्ताह में 2 दिन प्रश्नकाल का व्यवधान था। ये 1952 में जब शुरू हुई, कुछ महीने बाद इसे सप्ताह में 4 दिन बदल दिया गया और फिर 1964 से प्रश्नकाल सत्र के प्रत्येक दिन राज्यसभा में हो रहा था। अब सत्र के सभी दिनों में दोनों सदनों में प्रश्नकाल आयोजित किया जाता है। अब यानी कि वर्तमान की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी देखा है अपने वर्तमान में रोकने की बात की जा रही है, तो इससे पहले जब भी हुआ है। परंतु दो स्थितियां जिस दिन राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हैं और तथा जिस दिन वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं उस दिन प्रश्नकाल निर्धारित नहीं होता है। और वर्तमान में लोकसभा की शुरुआत के बाद से निचले सदन में लगभग 15,000 प्रश्न पूछे गए। अगर आप सोचिए कि प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो इस तरह के एक तरह से आप सोचिए लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। मतलब आप समझिए राजशाही जैसा समय आ जाएगा। और याद रखिए यहाँ राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल, जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर रहा हो या नई सरकार आप देखते हैं आती है या सत्र की शुरुआत होती है तब, या फिर बजट पेश होता है, उस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। ठीक है, मंत्रालयों को 15 दिन पहले प्रश्न मिलते हैं ताकि वे अपने मंत्रियों को प्रश्नकाल के लिए तैयार कर सकें। उन्हें ऐसे तीव्र अनुवर्ती प्रश्नों की तैयारी भी करनी होगी जो भी सदन में पूछे जाने की अपेक्षा कर सकते हैं। आप लोग तैयारी करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, तो आप तैयार करके जाते हैं। यही मंत्री भी करते हैं कि कोई भी उनसे ये सवाल पूछ सकता है। सांसद आमतौर पर मंत्रियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सवाल पूछते हैं, लेकिन नियम उनके सहयोगियों को एक प्रश्न पूछने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करते हैं। इस तरह के सवाल को एक विधेयक से संबंधित सांसद की भूमिका या उनके द्वारा प्रायोगिक किए जा रहे प्रस्ताव या सदन के कामकाज से जुड़े किसी अन्य मामले तक सीमित होना चाहिए जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं। एक तरह से आप कहिए कि किसी भी आप संसद से या किसी भी आप पूछ रहे हैं किसी भी मंत्री से, तो उसके क्षेत्र का पूछिए ना आप लोग। ठीक है, अब मान लो चला कि कानून मंत्री है और आप उससे पूछ रहे हैं शिक्षा का कोई सवाल पूछ लें, या आप उससे पूछ लें विदेश नीति का कोई सवाल पूछ लें, तो इस पर भी इस तरह के सवाल नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो भी टीचर होता है आप उससे उसी मैथ के टीचर से मैथ के क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई भी इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश वाले सवाल पूछेंगे, तो इसी तरह की एक निर्धारित होती है, इतना तो आप ही समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रश्नकाल का महत्व आखिर कितना, इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, यानी कि जरूरी क्यों है प्रश्नकाल। पिछले 70 साल में आप देखेंगे सांसदों ने मंत्रिपरिषद पर विकास डालने के लिए इस संसदीय उपकरण का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
सीधा सा कहने का मतलब कि देश की जनता को भी पता चलता है कि आखिर क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे सांसदों की, समझ रहे हैं? अगर आप सोचिए कि प्रश्नकाल खत्म हो जाता है तो कोई लोकतंत्र का, कोई आपके वोट देने का कोई कुछ महत्व नहीं बचेगा एक तरह से। उनके सवालों ने वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है और सरकारी कामकाज के बारे में डेटा और जानकारी को सार्वजनिक डोमेन पर लाया है। 1991 के बाद प्रश्नकाल के प्रसारण के साथ प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है था। सरकार के प्रश्न पूछना हमारी विधायी निकायों में एक लंबा इतिहास भी रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व भी यह सीमित रूप से प्रचलन में था और 1893 में प्रश्नकाल का प्रथम उदाहरण दृष्टिगोचर है, यानी कि 1893 में पहली बार देखा जा सकता है इसे। तो प्रश्नकाल का मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न पूछने की सीधी बात खत्म कर दिया जाए, कहीं भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में भी इसे समझ करने की कोशिश कीजिए कि आपको सुनने का उत्तर, सुनने का केवल क्या है अधिकार है, आपको प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं। तो आपके सामने जो भी फैसले आते हैं आराम से आप मान लेंगे, एक तरह से आपकी जिंदगी रही या आपके फैसले कुछ भी, आपका हाँ है या आप उसके पक्ष में है या नहीं है, इसका कोई मायने नहीं रखता है उसमें, समझ रहे हैं? एक है शून्यकाल। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। यहाँ प्रश्नकाल की तरह नियम नहीं होते हैं या वाक्यांश प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं करता। शून्यकाल की अवधारणा भारतीय संसद के पहले दशक में शुरू हुई थी, जब सांसदों को निर्वाचित क्षेत्र और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की आवश्यकता महसूस हुई। यह आप देखेंगे 12 बजे से 1 बजे, आप जानते हैं 12 से 1 एक तरह से शून्य होता है, तो इसे शून्यकाल कह देते हैं। 12 बजे से 1 बजे दोपहर का समय शून्यकाल हेतु निर्धारित है। बरसों से दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए शून्यकाल के काम को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। इसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं हम लोग, इसे नियम पुस्तिका का हिस्सा नहीं होने के बावजूद नागरिकों, मीडिया, सांसदों और पीठासीन अधिकारियों से समर्थन प्राप्त है। आप समझिए कि कोई भी अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप सवाल उठा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर इस तरह का भी समाप्त कर दिया जाए, तो अभी महामारी आई हुई है, इससे मैं अपने कई प्रॉब्लमों को फेस किया है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को उठाएंगे आपका मुंह बंद का बंद बना रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा उठाने के लिए। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है तो आप खुलकर विरोध करिए, आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपका विरोध करना। तो एक तरह से इस पर भी अपूर्व के उदाहरण की बात अगर हम करें तो संसदीय निर्माण रिकॉर्ड बताते हैं कि 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान शीतकालीन सत्र उन्नत था। सदन की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई और कोई प्रश्नकाल आयोजित नहीं हुआ। ये 1962 की परिस्थिति है, जब देखिए आपातकाल लगा हुआ था और 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उस समय की बात की जा रही है। सत्र से पहले प्रश्नों की संख्या को सीमित करते हुए परिवर्तन किए गए। इसके बाद सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच एक समझौते के बाद प्रश्नकाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अतः यह प्रथम मानसून सत्र होगा जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा, अभी की बात कर रहा हूं, ठीक है? लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि महामारी की समस्या निश्चित ही व्यापक है, परंतु जब देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सीमा तीनों ही संकट में हो, ऐसे में कार्यपालिका हेतु संसदीय नियंत्रण को समाप्त करना लोकतंत्रीय संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध है। अब जो आपकी GDP गिरी हुई है, आपने जो खस्ता हालत देखी हुई है, शिक्षा की देख लीजिए या फिर आप स्वास्थ्य की देख लीजिए या आपने किसी भी तरह की देख लीजिए, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं कर पाएगा सरकार से, कोई पूछ नहीं पाएगा कि आपने क्या समाधान किए थे, क्या आपने नियम कानून बनाए थे कि एक तरह से इसे निकाला जा सके, अर्थव्यवस्था क्यों गिरी हुई है, एक तरह से मुंह पर ताला लगा दिया विपक्ष के और जितने भी आपके अन्य सांसद हैं। यह व्यवस्था कार्यपालिका को मनमानी करने का अधिकार देगी, जो शक्ति के बंटवारे के सिद्धांत के विरुद्ध है। कोविड काल में अपने घटती भूमिका के चलते संसद की पहली ही आलोचना हो रही है। ऐसे में शीर्ष विधिक निकाय की साख को आघात करेगा और संसद को इस मामले में अपनी विशेष अधिकार का पालन करते हुए जनहित में उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक तरह से आपका लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि आपका ये जो सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड है, इससे जुड़ा हुआ है, एक बात आप लोगों को याद रखनी है, क्या इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट हो आपके, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में तो बड़ा बैलेंस बनाकर आपको लिखना है, ठीक है?
आपको ऐसा नहीं कि पॉजिटिव कोई पॉइंट आप लें और लिखने लग जाए, दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट निकालना है और एक अपना अपने तरफ से व्यू भी देना है। आपसे पूछ लिया जाता है कि लास्ट में आप क्या कहेंगे, तो आप तब भी बड़े बैलेंस बना कर दीजिए, ठीक है।